बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां पर कैराना आजकल चर्चा का विषय है। दरअसल हिंदुओं के कथित पलायन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां वहां बढ़ी हुई हैं। कैराना की घटना को लेकर बीजेपी की टीम सुरेश खन्ना के नेतृत्व में आज कैराना दौरे पर है। जांच दल में खन्ना के अलावा विधानमंडल दल के सचेतक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह और साथ ही सहारनपुर से सांसद राघव लखनपाल शर्मा और बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह और अलीगढ़ से सतीश गौतम, अलावा इसके पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल भी इस दल में शामिल हैं। 8 सदस्यीय टीम घर घर जाकर लोगों से मिल रही है। दौरे के बाद जो रिपोर्ट है वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कैराना में हिंदुओं के पलायन पर यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से कहा है कि वो पलायन के आरोपों की जाँच पर जल्द से जल्द जांच अपनी करे और उसकी रिपोर्ट पेश करे। तो दरअसल टीम पहुंची है और घर घर जाकर ये टीम पूछताछ कर रही है। कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन का ये मामला है जिसको लेकर ये टीम पहुंची, और ये टीम जब अपनी जांच कर लेगी तो उसकी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपी जाएगी। राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या अपडेट है? टीम के बारे में कहा जा रहा है कि घर घर जाकर लोगों से मुलाकात हो रही है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि लोग पलायन कर चुके हैं, तो क्या स्थिति है अभी जो टीम पहुंची इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, आप जांच टीम है बीजेपी की तरफ से जो आई है वो जो है जांच कर रही है, और अभी अकबरपुर सुनहटी में वो लोग हैं। इसके बाद जो है वो पंजीत गांव में जाएंगे और तमाम उन जगह पर जाएंगे जहां जो जहां से लोग पलायन करके जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि जो पूरा दिन जो है आज पूरा दिन जो जाँच करेंगे उन लोगों से मिलेंगे और उन लोगों से उनकी जांच करके ये जानकारी करेंगे कि वो लोग जो है दहशत की वजह से क्या प्लान किया है, क्या कुछ लोग ऐसा अपने कारोबार की वजह से भी यहाँ पे गए हैं। इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है और उस पूरे मामले को जो है हाईकमान को जाके उसकी रिपोर्ट सौंपेगी। जी, शुक्रिया बहुत बहुत राहुल, हमारे साथ आप जुड़े, ये पूरी जानकारी आपने हमको दी, धन्यवाद आपका। और इसी पर कुछ बयान भी है जो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। कार को ना आकर घूमना चाहिए हमारी तरह, और पूछना चाहिए उस माँ से और पूछना चाहिए उस पिता से जिनके साथ ये सब हो रहा है। We have observed that there has been a huge mass exodus of people from Kairana on various grounds, and principally what I can very in a confirmed way state is that there is a bunch of goons and there's a gunda raj happening in Kairana, owing to which people are leaving, they're moving from here en masse, and we're getting to the bottom of it. We're trying to investigate, we're trying to meet as many people as possible, and we'll have a report ready soon, then you'll know.